हेलो एवरीवन वेलकम टू केन स्टडीज़ आज है नाइनटीन ऑफ जनवरी स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2024 ट्वेंटी पासपोर्ट इंडेक्स व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है ट्वेंटी में हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान क्या है आपके ऑप्शन हैं एटी थर्ड एटीथ एटी सेकेंड या फिर नाइन्टीथ आपको इस वर्ष जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है ये बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत की रैंक है एटीथ आप यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 2024 ट्वेंटी पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया रैंक एटीथ आउट ऑफ 199 कंट्रीज एंड दिस इज द थ्री रैंक इंक्रीज फ्रॉम 2023 व्हेन इंडिया वाज रैंक्ड एटी थर्ड सो so, पिछले ईयर से देखें तो तीन स्थान का सुधार देखा गया है पासपोर्ट इंडेक्स रैंक कंट्रीज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दैट अलाउ वीजा फ्री एंट्री टू देयर पासपोर्ट सो इंडिया पासपोर्ट अलाउज वीजा फ्री एक्सेस टू सिक्सटी टू डेस्टिनेशन जिनमें शामिल हैं थाईलैंड मॉरिसस श्रीलंका और मालदीव मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें 2024 में तो वो है जापानीज, सिंगापोरियन फ्रेंच जर्मन इटालियन एंड स्पेनिश एंड द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज कैन ट्रेवल वीजा फ्री टू 194 नाइन्टी फोर डेस्टिनेशंस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच टू कंट्रीज साइंटिस्ट ज्वाइन इंडियाज फोर्टी थर्ड अंटार्कटिक एक्सपीडिशन आपसे पूछा जा रहा है भारत का जो फोर्टी थर्ड अभियान है उनमें अभी हाल ही में किन दो देशों के वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति जताई है या उनमें शामिल हुए हैं आपके ऑप्शन हैं सिंगापुर एंड मॉरिसस बांग्लादेश एंड भूटान मॉरिसस एंड बांग्लादेश या फिर नेपाल एंड म्यांमार आपको बताना है कि भारत के फोर्टी थर्ड अभियान में कौन से दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ये देश है मॉरिसस और बांग्लादेश आप यहां देख सकते हैं इन अ लैंडमार्क डेवलपमेंट दिसंबर 2023 ट्वेंटी थ्री इंडियाज फोर्टी थर्ड अंटार्किटिक एक्सपीडिशन स्पे हेडेड बाई द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सॉ द इंक्लूजन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम मॉरिसस एंड बांग्लादेश सिग्निफाइंग अ नोटवर्दी स्ट्राइड इन द ग्लोबल कोलेबोरेशन ऑफ फॉर पोलर रिसर्च सो द कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन ओसिनोग्राफिक एंड हाइड्रोग्राफिक स्टडीज लेट द ग्राउंड वर्क फॉर कॉपरेटिव इनिशियटिव अल्टीमेटली फॉस्टरिंग इन्हांस्ड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन पोलर रिसर्च सो ये जो फोर्टी थर्ड अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है ये पोलर एरियाज पर रिसर्च से संबंधित है और भारत के साथ इसमें जो दो और देश के साइंटिस्ट शामिल हुए हैं वो है मॉरिसस और बांग्लादेश बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान कच्छ गुजरात इंदौर मध्य प्रदेश या फिर बीकानेर राजस्थान आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आयोजन किया गया बीकानेर राजस्थान में आप यहां देख सकते हैं द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इन राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट स्टार्टेड विद अ वाइब्रेंट हेरिटेज वॉक फ्रॉम रामपुरिया हवेली सोइंग डेकोरेटेड कैमल्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड लोकल फोक आर्टिस्ट सो टूरिस्ट एंड लोकल्स इंजॉयड फोक सॉन्ग्स रामा ट्यून एंड डांसेस फोस्टरिंग अ फेस्टिव एटमोस्फियर इन द सिटी पार्क द इवेंट फीचर्ड अ वॉर्म रिसेप्शन बाई रेजिडेंट्स विद द फ्लार एंड रंगोली डेकोरेन्स एडिशनली द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज रंगोली मेहंदी एंड ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन्स एट बीकाजी की टीकरी रिवॉर्डिंग विनर्स विद द मेमेंटर्स तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया आपसे पूछा जा रहा है भारत में भारतीय थल सेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है आपके ऑप्शन है सिक्सटींथ जनवरी फोर्टींथ जनवरी ट्वेल्थ जनवरी या फिर फिफ्टींथ जनवरी आपसे इंडियन आर्मी डे के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ये सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्टींथ ऑफ जनवरी को आप यहाँ देख सकते हैं द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एक्सटेंडेड वॉर्म विसेज टू इंडियन आर्मी पर्सनल ऑन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 15th. इस्टेब्लिश्ड ऑन फिफ्टीन जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ मार्किंग अ हिस्टोरिक ट्रांजिशन फ्राम ब्रिटिश लीडरशिप सो इस वर्ष की बात करें तो ये सेवेंटी सिक्स आर्मी डे है और इस वर्ष की थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन एंड इट विल भी कमांडेड बाई द आर्मी सेंट्रल कमांड इन लखनऊ अलाइंग विद द इंडियन आर्मीज मोटो जो की है सर्विस बिफोर सेल्फ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रिसेंटली विच स्टेट वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन इंडियन स्टार्टअप इको सिस्टम रैंकिंग फॉर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु बिहार मणिपुर या फिर राजस्थान और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा है वो है तमिलनाडु आप यहाँ देख सकते हैं Tamil Nadu secured the title of the best performer state in the 2022 Startup India state startup ranking So the ranking also recognized Gujarat Karnataka Kerala and Himachal Pradesh as best performer while Maharashtra Odisha Punjab Rajasthan and Telangana were categorized as leaders And currently Tamil Nadu boasts over 7600 startups registered under the Startup India scheme विद मोर देन टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी स्टार्टअप रजिस्टरिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू अलोन तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया स्टेट स्टार्टअप जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है वो है तमिलनाडु बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पनामा कैनल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इट कनेक्ट विच टू ओसंस आपसे पूछा जा रहा है सुर्खियों में रहने वाली पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है आपके ऑप्शन हैं अटलांटिक ओशन इंडियन ओसन एंड आर्कटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन आपको बताना है पनामा कैनल किन दो महासागरों को जोड़ती है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आप यहां देख सकते हैं साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ 22 मिलियन ईयर ओल्ड लॉस्ट फॉरेस्ट इन द पनामा कैनल अ क्रूसियल आर्टिफिशियल वाटरवे कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन सो स्ट्रेचिंग 80 किलोमीटर्स द कैनल फीचर्स लॉक टू एडजस्ट वाटर लेबल्स फॉर सिप पासिस थ्रू द एस्थमस इट वॉज इनिशिएटेड बाई द फ्रांस इन एटीन एटी वन एंड द यूनाइटेड स्टेट टुक ओवर इन नाइनटीन हंड्रेड फोर कम्प्लीटिंग एंड मैनेजिंग द कैनल अनटिल नाइनटीन नाइनटी नाइन सो पनामा एज्यूम्ड फुल कंट्रोल इन टू थाउजेंड फॉलोइंग द टिजस्ट कार्टर ट्रेटीज विद द यू एस इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन तो आप ध्यान रखेंगे पनामा कैनल जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसेफिक ओशन को जोड़ती है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्रा मिसाइल विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज आपसे पूछा जा रहा है अस्त्रा किस प्रकार की मिसाइल है जो हाल ही में खबरों में रही है आपके ऑप्शन हैं एयर टू एयर मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सो अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है आप यहाँ देख सकते हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस रिसेंटली इनिशिएटेड द डिलीवरी ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल्स टू द इंडियन एयरफोर्स एट भारत डायनेमिक्स इन हैदराबाद सो अस्त्र की बात करें इट इज अ कटिंग एज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल क्राफ्टेड by the DRDO and manufactured by Bharat Dynamics Limited. इसके फीचर्स की बात करें तो द दस्त्रा मार्क वन इंटीग्रेटेड विद द एस यू थर्टी मार्क वन एयरक्राफ्ट बूस्ट अ रेंज ऑफ एटी टू वन हंड्रेड टेन किलोमीटर एंड इट ट्रेवल्स एट फोर पॉइंट फाइव मैक्स स्पीड एंड फीचर्स अ लोकली डेवलप्ड बैंड एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम एंड फिफ्टीन के जी वॉर तो आप ध्यान रखेंगे अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है और इसको मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब